बहुत दिनों बाद मिले हैं, गिव मी ए हाई फाइव। और कैसे जा रहा है आपका नया साल? मुझे पता है आपको बहुत इंतजार करना पड़ा इस वीडियो का, लेकिन जब तक कुछ अच्छी टॉपिक नहीं हो बोल के क्या फायदा। बिना मतलब बोलना मुझे नहीं पसंद है, और आपके पास टाइम कहाँ है बैठ के सुनने के लिए। मैं हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग माई वीडियोज सो पॉपुलर, थैंक यू वेरी मच। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसका आपको खास ध्यान देना है। तो न्यूमरोलॉजी के लिए आपके बर्थ डेट के हिसाब से वो कौन सी बातें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एक खास पॉइंट्स निकाले हैं। एक ही वीडियो में 1 to 9 नंबर के बारे में बात करेंगे, और आपके डू एंड डोंट दोनों की बात करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता है ना क्या करना है, सबके साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। ये साइंस सबके लिए है, मैं बोल बोल के थकूंगी नहीं, हम सबका अधिकार है इसके ऊपर। आप में से कई लोग हैं जो जानते हैं कि सिर्फ हमारे टिप्स फॉलो करके आप लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि हर इंसान हम तक नहीं पहुंच सकेगा तो क्या हुआ, लेकिन हम तो हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब। तो शुरुआत तो होगी सबसे फर्स्ट नंबर की, यानी नंबर 1 की। 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए लोग एंड जो लियो होते हैं उनको रूल करता है सूर्य। इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोज करनी चाहिए वो है नींद से जल्दी उठना चाहिए। जी हाँ, बहुत सोते हो, बे टाइम सोते हो, लेजी होते हो, नींद बहुत आती है, रात भर कंप्यूटर चाहिए, दिन भर सोना चाहिए। अगर आपने अपने नींद की हैबिट को कंट्रोल किया तो आप पूरा दिन का फायदा उठा सकते हो। ये दिन सुबह शुरू होता है, लेकिन आप में से कई नंबर 1 लोगों का दिन दोपहर, या कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो सिर्फ नाइट को बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका माइंड शार्प रहता है। लेकिन आप सुबह उठोगे तो पूरे दिन का फायदा उठा सकते हो, जल्दी अपने मंजिल पे पहुंच सकते हो। यहाँ मैं आपको रिमाइंडर दूं कि देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी केस। कुछ आप में से हो सकते हो जो सुबह जल्दी उठ जाते हो, लेकिन आई कैन इजिली से मोस्ट ऑफ यू आर लेट राइजर्स। जो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है पार्टनरशिप्स, अनलेस वो आपके नजदीकी लोगों से हो। लेकिन आजकल नजदीकी लोगों का भी कहां भरोसा है, सबसे ज्यादा धोखे तो वो ही हमें देते हैं। सो बी केयरफुल वाइड एंड पार्टनरशिप्स। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पार्टनरशिप करनी पड़ती है, कोई जॉइंट वेंचर होता है, कोई बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जहाँ एक बंदे का तो बस नहीं चलता है, तो वहाँ सोच समझ के कीजिए। 1 नंबर के लोग इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि उनको किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। 2, 11, 20 या 29 अगर आपका बर्थडे है, या अगर आप एक कैंसेरियन हैं, तो आपको रूल करता है नंबर 2। 2 नंबर मून का होता है, चंद्र आपको रूल करता है। जो 2 नंबर के लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको रियलिटी में जीना चाहिए। कम आउट ऑफ योर ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम्स सिर्फ रात के लिए रखिए, बी मोर प्रैक्टिकल। नंबर 2 के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए अपने काम के लिए, आपके काम आपको खुद करने चाहिए। और ये एडवाइस मैं अपने ब्रदर संजय बी जुमानी से सालों से सुनती आई हूँ और कोशिश करती हूँ, लेकिन आई एम अ नंबर 2। कुछ कुछ चीज़ें मैं लोगों पर डिपेंड करती हूँ और कई बार धोखा मिलता है, सो आई हैव टू गेट अप एंड डू व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और ये अगर आप सब नंबर 2 एंड कैंसरियंस ने भी जान लिया, लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी।
जो लोग 3, 12, 21 या 30 पे जन्मे हैं, या जो लोग पाइशीज या सैजिटेरियन हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा और फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग होना चाहिए। बहुत रिजिड हो आप, जो आप कहते हो क्या बस वैसे ही चलेगा, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, थोड़ा सा ढील दीजिए, इतना भी डोमिनेटिंग मत बनिए। स्पेशली विद पीपल क्लोज टू यू, बी अ बिट मोर फ्लेक्सिबल। कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? वो है नेवर स्ट्रेस अबाउट मनी। हम सबको स्ट्रेस नहीं करना चाहिए पैसों के बारे में, लेकिन खास करके नंबर 3 के लोगों को बहुत स्ट्रेस करते हैं। मनी इज समथिंग दैट विल ऑलवेज कम टू यू इन अबंडेंस, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट मनी। अब आती है बारी नंबर 4 के लोगों की। जो लोग 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए? जितना कर सको रिसर्च कीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप बहुत अच्छे होते हो, कंप्यूटर्स में आप बहुत अच्छे होते हो, नई नई आविष्कार में आप बहुत अच्छे होते हो, तो आपको ऑफिस में ज्यादा काम करना चाहिए, कंप्यूटर के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। 4 नंबर के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, कभी भी किसी पे कोर्ट केस मत कीजिए। और भगवान ना करे ऐसा वक्त आए कि कोई आप पे कोर्ट केस करता है, तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। दीज विल नेवर सूट यू, यू विल हैव टू रन 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 राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, तो अवॉइड लिटिगेशन एंड कोर्ट केसेस। 5, 14 या 23 अगर आप जन्मे हैं, या आप एक जेमिनी या वर्गो हैं, तो आपको रूल करता है मर्क्यूरी, जो है एक बहुत स्लिपरी प्लैनेट, सो आप लोग भी फटाफट स्लिप हो जाते हैं यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, तो आपको रहना चाहिए कंसिस्टेंट। वो एक चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए वो है बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, इन योर लव लाइफ, इन योर प्रोमिसेस, इन योर वर्ड्स। अगर किसी को जबान दिए ना, वो रखनी चाहिए आपको, so that is called being consistent, वो आपको जरूर करना चाहिए। और जो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है सिगरेट, शराब, womanizing in a very young age। उसकी एक उम्र होती है, तब करिए, बहुत जल्दी अगर आप सिगरेट, ड्रग, ये वो चीजों में फंस जाओगे तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। यहां मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, you should never run after fast money. Fast money easy नहीं होता है, उसकी life short होती है, so make sure आप fast money के पीछे नहीं भागते हैं। फिर आता है number 6, 6, 15, 24, Taurus या Libra अगर आप हैं, तो आपको अपने अंदर छुपे कलाकार, सिंगर, पेंटर, डांसर, स्पोर्ट्समैन, शेफ, इंटीरियर डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, कोई भी टाइप की क्रिएटिविटी जो आपके अंदर छुपी हुई है उसको बाहर निकालनी है, उसको निखारिए, या जरूर कीजिए। यू आर अ स्टोर हाउस ऑफ टैलेंट। जो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है टू फॉल इन लव एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मुझे पता है लव आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर किसी को अपना दिल मन कीजिए, सोच समझ के, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स आपके लिए बहुत हैं। सो बी केयरफुल हु यू फॉल इन लव विद, थोड़ा उनके बारे में रिसर्च कर लीजिए कि सामने वाला है कैसा, इज ही और शी वर्दी ऑफ ऑल योर टाइम एंड अटेंशन, क्योंकि आप बहुत डीपली लव करते हैं। आई थिंक ओनली 2 नंबर पीपल एंड नंबर 6 रियली 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 लव डीपली। आई मे बी रॉन्ग, कुछ और नंबर्स होंगे आप में से कोई कहोगे, बट जो मैं कह रही हूँ इट्स व्हाट आई नो, व्हाट आई फील एंड व्हाट इज माई एक्सपीरियंस। सो बहुत डीपली लव करोगे तो बहुत डीपली हर्ट भी होता है।
अब आती है बारी 7, 16, 25 को पैदा हुए लोगों की। ये लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। आपका इराटिक बिहेवियर कभी कभी आप भी नहीं हैंडल कर सकते हो, तो जो लोग बेचारे आपके आसपास रह रहे हैं वो कैसे हैंडल करेंगे? सो लर्न टू बी लिटिल मोर काम एंड कंपोज्ड। और उसके लिए आप क्या करोगे? थोड़ी सी योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा सा वर्कआउट, ये आपके लिए जरूरी है। माइंड एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, ऐसी चीजें जो आपके माइंड को काम रखें, ये आपको जरूर करना चाहिए। और उसके लिए आपको पता है ना, कैट साइज जैसा कोई स्टोन नहीं है। कौन सी चीज है वो जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? आपको जिंदगी की छोटी 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 बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पूरे दिन में एटलीस्ट 95% अननेसेसरी स्टूपिड इडियोटिक चीजें होती रहती हैं। सामने वाला कुछ बोल देता है, वो वाला कोई और कुछ बोल देता है, कुछ टूट जाता है, कुछ फूट जाता है, लेकिन 2-5% ऑफ द डे गोज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप पेइंग अटेंशन टू सिली थिंग्स इन लाइफ। आप सिली थिंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, इसीलिए सैड एंड डिप्रेस रहते हो। तो स्टॉप दैट इमीडिएटली। अब आती है बारी नंबर 8 की। वो लोग जो 8, 17 या 26 को पैदा हैं, या जो कैप्रिकॉर्न्स एंड एक्वेरियंस हैं, कुछ हद तक लिब्रा को भी नंबर 8 रूल करता है। आप सबको क्या करना चाहिए? आप लोगों को जल्द से जल्द प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यू आर वेरी लकी इन प्रॉपर्टी। कभी कभी नंबर 8 को विरासत में भी काफी कुछ मिल जाता है। प्रॉपर्टी इज गुड फॉर यू। नंबर 8 को क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी ब्लाइंड फेथ किसी पे मत रखिए, क्योंकि जो हमसे सबसे नजदीक होता है, जिनका हाथ हमारे पीछे होता है, कभी कभी उस हाथ में छुरी भी हो सकती है। सो डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जो लोग 9, 18, 27 को जन्मे हैं, या जो लोग एरीज एंड स्कॉर्पियो हैं, इन लोगों को रूल करता है नंबर 9। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी एक्सट्रीम अबंडेंट फिजिकल एनर्जी का पूरा यूज करना चाहिए, बाय बीइंग इन स्पोर्ट्स, बाय बीइंग इन डांस। खाना बनाना भी स्ट्रेनस वर्क है, खास करके मेरे लिए। सो नंबर 9 को कुकिंग में भी होना चाहिए। सो यू यूज योर फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी। कुछ नंबर 9 की मेंटल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, इन लोगों को लिखना चाहिए, दे आर वेरी गुड राइटर्स। So use your physical and mental energy as much as possible. जितना हो सके इसको एक diversion दीजिए, नहीं तो गुस्सा रहेगा, झगड़े रहेंगे। 9 नंबर के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी आपको fast driving नहीं करनी चाहिए। Speeding हम सबके लिए अच्छी नहीं है। अब तो खैर cameras लगे हुए हैं चारों तरफ, लेकिन speeding is not good for any of us। लेकिन आपके लिए खास हानिकारक, इनफैक्ट फेटल भी हो सकती है। सो ड्राइव विदिन द स्पीड लिमिट। दूसरी चीज भी यहाँ मैं आपको ऐड करूंगी जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, नेवर कीप अ वेपन विद यू। 9 नंबर पे गुस्सा बहुत आता है, आप जानते हो, वेपन रखना बहुत डेंजरस होता है इनके लिए। और नंबर 9 सलमान खान जी आपके लिए एग्जाम्पल है कि उनके पास एक वेपन था और फिर क्या क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत सारा नेशनल ड्रामा तो हो ही गया और उनके ऊपर काफी सारा मेंटल स्ट्रेस। सो डोंट ड्राइव फास्ट, नेवर कीप अ वेपन। और आप में से अगर कुछ लोग पुलिस फोर्स में है, आर्मी एयरफोर्स में है, आपको बंदूक रखनी ही पड़ती है, तो बी केयरफुल, कभी कभी आपके ऊपर ही वो लग सकती है बाय मिस्टेक। तो ये डूज एंड डोंट्स की वीडियो तो यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए इंडिविजुअली क्या डू होना चाहिए, क्या डोंट होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन जनरल हम सबको, चाहे हमारा बर्थडे कुछ भी हो, हमको क्या करना चाहिए? हम सबको अपने स्पेलिंग्स ठीक करने चाहिए, क्योंकि जन्मदिन हमारे हाथ में नहीं है, मरण दिन हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी क्षण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे नाम की स्पेलिंग तो हम ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू
न्यूमरोलॉजी। तो हम सबको अपनी स्पेलिंग लकी रखनी चाहिए जो हमें फायदा दे। जो चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है यूज ऑफ ब्लैक। रेड ओनली अलाउड फॉर नंबर नाइन्स, वो भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज। एंड 4 and 8, ये नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। यस, अनलेस वो आपके मम्मी डैडी हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। दे आर अवर फैमिली, नॉट इवन फ्रेंड्स। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड 4 and 8 है उसको अवॉइड मत कीजिए। हाँ, लेकिन इन डेट्स पे इम्पोर्टेंट काम मत कीजिए, इन घरों में मत रहिए, वो ऑप्शन तो आपके पास है ना। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, 4 and 8 में रहना पड़ता है, तो दरवाजे के बाहर से वो नंबर ही हटा दीजिए। मान लीजिए 44 है या 602 है, उसको लगाइए ही मत। वैसे भी कौन से पोस्टमैन आते हैं आजकल? ऑफकोर्स अमेजोन के डब्बे जरूर आते हैं, तो उसके लिए आपको गेट तक जाना पड़ेगा और डब्बा लेना पड़ेगा। सो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर, एंड ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया है कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी चीज अप है, कौन सी चीज डाउन है। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएटली। एंड ऑफ कोर्स यस, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एंड मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हैं। अगर आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हो अपने बारे में, बिजनेस के बारे में, बच्चों के बारे में, तो आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी इज द ओनली साइंस जो आपको पीस ऑफ माइंड भी दे सकता है, क्योंकि हम वो बंदा ही चेंज कर देते हैं जो स्ट्रेस में था, तकलीफ में था, जिसके कोई काम नहीं होते हैं। सो वी कैन नॉट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, वो तो हम पैदा हो ही चुके हैं। तो चाहे आपका फेट नंबर ये है या आपका डेस्टिनी नंबर ये है, वो तो कुछ भी होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम का टोटल तो है ना हमारे पास। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, गॉड ब्लेस यू।